हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ दीप्ति सिंह। माय किचन में आपको स्वागत है। आज मैंने बहुत अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ, दही फिश करी। चलिए देखाते हैं माय किचन के स्टाइल में कितने आसानी से झटपट बन जाते हैं। और मेरी वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। दही रोहू फिश ग्रेवी के लिए लिए 600 ग्राम रोहू फिश, जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से वॉश करके रखी हूँ, और लिए आधा लेमन, कुछ साबुत मसाला जिसमें 2 तेज पत्ते हैं, 2 साबुत लाल मिर्च है, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 2 दालचीनी के टुकड़ा, 2 इलायची जिसको क्रश करके रखी हूँ। मसाला में लिए 1 टीस्पून चीनी। चीनी आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, इसके ग्रेवी थोड़ा स्वाद आते हैं। और स्वाद अनुसार हल्दी पाउडर, और लिया धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और लिए 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, कुछ हरे कटे धनिया, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक के पेस्ट, टमाटर प्यूरी, ऑनियन के पेस्ट, 10 काजू के पेस्ट, और मैंने 150 ग्राम दही लिए। सबसे पहले लेमन को निचोड़ लेंगे। लेमन निचोड़ने से क्या होता है, लेमन के जो जूस होते हैं उससे इसके जो स्मेल है वो थोड़ा कम हो जाते हैं फिश में। अब इसमें मैंने क्या करना है, थोड़ी सी नमक डाल देंगे और डाल देंगे हल्दी पाउडर। अब मैंने क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से हाथ से इसको मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। चूल्हे के गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को मेंशन करना मैंने भूल गए थे, तो ऑयल फ्राई करने के लिए मैं ऑयल डाल दिए। ऑयल गर्म हो चुके हैं, अब इसको फिश को मैं फ्राई कर लेंगे। एक साइड इसके फ्राई हो गए, अब इसको दूसरे साइड पलट देंगे। फिश फ्राई हो चुके हैं, अब इसको मैं प्लेट में निकाल लेंगे। अब देख सकते हो कितने अच्छे इसका फ्राई कर लिए दोनों साइड। फिश आपको जितने अच्छे तरीके से फ्राई करोगे उतने खाने में स्वादिष्ट होगी। फिश फ्राई करने के बाद जो ऑयल बची हुई थी उसी में मैंने मसाला को तैयार करने जा रही हूँ। अब इसमें 2 लाल मिर्च डाल दिए, 2 बेलीफ्स डाल दिए, और डाल दिए जो साबुत जीरा लिए थे वो, दालचीनी, इलायची। इलायची डालने से इसकी ग्रेवी में थोड़ा खुशबू और अच्छा हो जाएगा। अब मैं इसमें क्या करना है, जीरा चटक गया, अब इसमें ऑनियन के पीस डाल देंगे। ऑनियन के पीस तो थोड़ा हल्का ब्राउन शेड में हो गए, अब इस पे जिंजर गार्लिक के पेस्ट डाल देंगे। ऑनियन और जिंजर गार्लिक के पेस्ट से आप बहुत अच्छे से खुशबू निकाला है। अब इसमें मैंने क्या करना है, टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद अब इसमें डाल देंगे नमक। नमक आप स्वाद अनुसार देना, क्योंकि फिश फ्राई करने के समय भी नमक दिए थे। और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और चीनी। चीनी आप हिसाब से दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। अब सारे मसाले को मैं बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे, इसके जो कच्चापन है निकल जाए। मसाला बहुत अच्छी तरीके से भून गया है, अब देख सकते हो इसके साइडों में ऑयल निकल आया। अब इसमें जो काजू के पेस्ट लिए थे वो डाल देंगे। अब इस पे डाल देंगे दही। दही देने से इसकी ग्रेवी और थोड़ा ठीक हो जाएगी।
दो मिनट इस तरीके से स्टेयर करने से क्या होगा, जो काजू की पेस्ट है दही बहुत अच्छी तरीके से मसाला के साथ मिक्स हो जाएगी। मसाला बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया। अब इसमें मैंने फिश डाल देंगे। मसाला बहुत अच्छी तरीके से भून गया। अब इसके साथ फिश को मैंने मिक्स कर दिया। अब इसमें क्या करना है, हल्का सा पानी डाल देंगे। अब अपने हिसाब से पानी डालना। अब इसको सीम आंच पे दो मिनट के लिए ढक देंगे। दो मिनट हो चुके हैं। वाव, आप देख सकते हैं इसके कलर कितना अच्छा आया हुआ है। अब इसपे हरी कटी धनिया डाल देंगे। हरी कटी धनिया डाल के अब इसको चला लेंगे। अब देख सकते हैं इसके ग्रेवी के कलर भी कितना अच्छा आया हुआ है। ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। दही फिश के कड़ी बन के तैयार हो गया। अब जा रही हूँ इसको साफ करने। माया किचन के स्टाइल में दही फिश कड़ी बन के तैयार हो गया। देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। और फिश से रिलेटेड कोई भी रेसिपी देखना है जो तो ऊपर में जाके आइकन को क्लिक करना। मेरी वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। माया किचन को सब्सक्राइब करने भूलना मत।